ये कितने की बेचे? चेन बता एक काटने के लिए। चांदी चेन हटा दी हुआ है, कम चांदी चेन के लिए पेंडल दिखाना ना। ये कितनी बताओ पेंडल ये स्मूथ है ना, बना रहे हैं बनाना अलग रहता है ना। इसका भैया एक मिनट वो जो अंगूर है ना ये चार है, चार में मतलब उसको छोटे करते हाथ से मैंने को पसंद ना हो अभी तो ये अंदर के फ्राई ये बनाना है बेकिंग चाहिए और सारे फ्री करना है। ये मेरा देखो वो अकेला कपड़ा लेके आ गई नहीं करने हुए आग पर बात हुआ कौन हम लोग की फोटो बिल्कुल आराम से आइएगा। दिवाली बात हाँ फिर वो भी हो जाएगा। हेलो चलो और पहले महाराष्ट्र में आगे बहुत मजबूत वाला अभी दिखा नहीं पड़ पाई है। अभी तो एक रनिंग वाला आइटम है इसलिए दिखा देते हैं। ये कौन सी ये अलग पुराना वाला है, कम महंगा होगा। नहीं मानेंगे कैसे मानेंगे? एक दो नानी बड़ी होती है 1 ग्राम का नानी बड़ी होती है थोड़ा सा नहीं अलग अलग एक नाम वाला होता है ठीक है। इसमें और दिखाओ भगवान का नाम बताइए। हाँ योगेश गोयल। योगेश जी, धनतेरस है, बड़ी संख्या में लोग सोने चांदी के आभूषण लेने जाते हैं, किस तरीके से इस बार बाजार जो है अभी तक आपका हो रहा है, दुकानदारी हो रही है? पहले तो सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। इस बार धनतेरस पे ग्राहकी थोड़ी सी कमजोर होने के कारण, भाव की तेजी के कारण इस बार ग्राहकी हल्की सी कमजोर है। अभी तक जो है लोग सभी लोग भाव कम होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर भाव कम होगा तो फिर से ग्राहकी निकलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी दिवाली के बाद लगन सर्व चालू होने वाला है, तो काफ़ी अच्छी ग्राहकी निकलेगी और थोड़ा सा भाव का सभी को इंतजार है और भाव कम होना चाहिए जिससे कि सभी ग्राहकों को फायदा मिले। मतलब अभी भी कस्टमर जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा भाव का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सभी कस्टमर सभी बोल के जा रहे हैं कि भाव कम हो तो हम ज़्यादा लें, और इसी का सबको इंतजार है और भाव निश्चित ही कम होना चाहिए। चलिए अभी तक बिक्री कैसी धनतेरस? अभी तक तो ठीक है, निकल रही है थोड़ी बहुत गिराकी, बस पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम है क्योंकि भाव ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, पिछले सालों के मुकाबले इस साल ठीक है? कोरोना के बाद की कैसा है? कोरोना के बाद से ठीक है, क्योंकि कोरोना के पहले भाव कम थे, लेकिन अब भाव बढ़ते ही आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बिक्री का फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन शादी के सीजन है, थोड़ी सी इस चक्कर में थोड़ा सा डिमांड तो रहती है। तो आपको क्या उम्मीद है, अच्छी बिक्री होगी इस बार दिवाली पर? हाँ, इस बार लगन सर अच्छा है तो बिक्री तो अच्छी होनी ही है, बस सब भाव अच्छे हो जाएं, स्टेबल हो जाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप भी उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि थोड़ा बहुत कम करे? हाँ, नहीं, हम चाहते हैं कि कम हो तो गिराकी तो निकलनी है, अच्छा रहेगा। मेरा गौरव। क्या लिया आपने, आप पहुंचे धनतेरस के दिन? मैंने एक छोटा सा लॉकेट लिया है, क्योंकि अभी तो सोना खैर बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है। सरकार को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा टैक्स वैक्स कम करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है जो टैक्स लेते हैं इस पे। बाकी ठीक है, वो तो एक त्यौहार है और हर साल लिया जाता है कुछ ना कुछ शुभ मुहूर्त पे या शुभ दिन पे, तो आ गए लेने कि चलो कुछ ले लेते हैं घर वालों के लिए। तो माता जी हाँ, ये माता जी के लिए लिया है मैंने, एक छोटा सा लॉकेट लिया है जो ये माला में पिरो दिया जाएगा, तो उनका भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी और शगुन भी हो जाएगा कि घर में कोई कुछ अच्छी चीज़ आई है, इस तरह से। थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। लक्ष्मी। आप धनतेरस पे आई, क्या कुछ खरीदारी करी? हाँ, हम लोग ने चैन खरीदा, और धनतेरस को खरीदना शुभ मानते हैं इसलिए खरीदारी करते हैं, और हम लोग आए दिन इस चीज़ पे विश्वास करते आ रहे हैं कि धनतेरस में कुछ खरीदना चाहिए, इसलिए इस बार पहुँचे। और लोगों से कहेंगे कि धनतेरस में मतलब उसके साथ साथ खरीदारी के साथ साथ हम लोग दुकानदारों का भी सहयोग करें कि अच्छे से हम लोग इस पर्व को मनाएं। नाम दादा? जगदीश प्रजापति। कैसा धंधा है इस बार आपका मिट्टी के? आप जो धंधा अभी धंधा है नहीं, पिटा हुआ धंधा चल रहा अभी है ना, ज्यादा मार्जिन है नहीं माल में। ये कितने में बेच रहे हैं? ये अपन 250-60 रुपए 200 रुपए का है, ये सब जोड़ा हिसाब से है। जगदीश प्रजापति। कितने में बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं आप? ये लक्ष्मी गणेश के जोड़े हमारे पास टोटल। कितने कितने रुपए? अब जो भी रेट का है, जैसे अब छोटा वाला है ये 150 रुपए का है, ऊपर बड़ा वाला है उससे बड़ा है 2500 का, 2000 का है, जैसा भी जोड़ा पसंद का हिसाब से रेट लगते हैं उसके। बाजार में तो रौनक दिख रही, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? भीड़ भाड़ है, बाकी धंधे पानी नहीं है ज्यादा, बाजार में ज्यादा नहीं, ज्यादा धंधे पानी नहीं, पता नहीं बाजार ही पिटा हुआ है इस समय। तो मिट्टी के नहीं खरीद रहे हैं क्या, चाइनीज खरीद रहे हैं? नहीं, चाइनीज के नहीं, मिट्टी के ही नहीं खरीद रहे लोग आगे, है ना। क्यों? अब ये तो इंसान नए नए वेरायटी आती है, एक से आती वेरायटी है, तो इसलिए नहीं खरीद पाया ज्यादा। महेंद्र सिंह राठौर। महेंद्र जी, कैसा है इस बार बाजार पटाखों का, तो मार्केट में लगा है? बाजार में काफी उत्साह दिख रहा है मुझे, पूरे इसमें भारतवर्ष में बड़ी खुशी है, क्योंकि दीपावली का साल का आखिरी त्यौहार होता है, इसको बच्चों को लेकर और बच्चों से लेकर बड़ों का काफी उत्साह दिखाई दे रहा है बाजार में, और भीड़ काफी है, खरीदारी लोग सब कर रहे हैं। बच्चों के लिए इस बार पानी के दिए और बंदूकें और बच्चों के पॉप इस टाइप के एक दिए आए हुए हैं, जिसमें पानी डालोगे इसमें दिए जलेगा, पानी हटा देंगे तो दिए बंद हो जाता है, जब इसको यूज करना फिर पानी डालो। और इस प्रकार माचिस की गन आई हुई है, एक माचिस की 1 रुपए की गन से आप बच्चे की दीपावली पूरी बना सकते हैं, एक सीख लगाओ और ब्लास्ट करो। और इसमें बच्चों के पॉप पॉप हैं और रंग बिरंगी फुलझड़ी जिसमें हीरोइनी होती है, जिसमें एक हीरोइनी ऐड करती है तो खूबसूरत उनको लगता है बच्चों को, तो अच्छा लगता है ये कोई हीरोइनी है तो उसको लेते हैं लोग। तो मतलब बाजार अच्छा है और अलग अलग तरीके की चीजें बिक रही हैं, काफी अच्छी अच्छी बिक रही है। रंग बिरंगी देखिए झालर है, ये माला है, माता जी की माला होती है, सब खरीदारी इस टाइप बहुत कर रहा है। एक बलून आता है, बलून की भी काफी मांग है, इसको उसमें नीचे जला के उसको छोड़ते हैं तो ये खूबसूरत लगता है, तो उसमें बहुत बिक रहा है। ये भी मतलब मार्केट अच्छा है, बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है अभी। थैंक यू। सिस्टर नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम नम्रा पटवारी है। नम्रा जी क्या कुछ खरीदारी करी है धनतेरस, क्या कहेंगे? बस मैं यही छोटे बच्चों का ही त्योहार है दिवाली, तो उनके लिए बंदूकें और ये पटाखे खरीदने आई थी। हमारे घर में जो काम करने आती है उनके बच्चे हैं, उनको लिए भी लेने आई थी। क्या कहेंगी, क्या 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 खरीदा है आपने आज? बस मिठाइयाँ, बंदूकें, पटाखे यही सब ले रहे हैं और सोना खरीदा जाता है आज तो ज्यादातर। किस तरीके से मनाने वाली दिवाली का पर्व? जी देखिए, मैं तो पर्सनली खुद नहीं मनाती, मैं बाकियों में ही खुशियाँ बांटने के लिए अपने घर में जो लोग आते हैं उनके लिए, मेरे दोस्तों के लिए चीजें खरीद रही हूँ, तोहफे खरीद रही हूँ। थैंक यू सो मच। रोहन है ना, क्या कुछ खरीदारी करने आए धनतेरस पे? जी हम दिवाली की पूजा का सामान लेने आए हैं, जैसे कि आपने लक्ष्मी जी के वो होते हैं, पत्तल होते हैं और दिए होते हैं, ये सब हम खरीदने आए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से मनाने वाले धनतेरस? बहुत अच्छे से मनाएंगे इस बार हम दिवाली, और जैसे कि आप देख सकते हैं बाजार भी पूरा भरा हुआ है, तो सब लोग अच्छे से मना रहे हैं इस बार। स्पेशली इस बार राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, तो इस बार और अलग ही उत्साह है लोगों में और बहुत अच्छे से मनाएंगे इस बार दिवाली। सर आप भी यही बोल दीजिएगा राम मंदिर का। इस बार कोरोना खत्म होने के अच्छा नाम बोलिए। मेरा नाम तन्वी है। हम लोग शॉपिंग करने आए हैं दिवाली के लिए और अभी इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन कोरोना खत्म हुआ है और राम मंदिर के बाद से ज्यादा भीड़ है, तो काफी एक उत्साह है, सब लोग बहुत एक्साइटेड है दिवाली मनाने के लिए। हम लोग भी हैं, इसलिए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। क्या कुछ शॉपिंग करने वाले हैं आप लोग? सब कुछ ही खरीदना है अभी, मिठाई से लेके लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और सब कुछ सामान, अभी सब कुछ यहाँ से खरीदने के लिए सोचा है। थैंक यू।